हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वीडियो मेरा 9th चैप्टर है इस कोर्स में। इस वीडियो में हम देखेंगे ईथरनेट लैन सेगमेंट क्या होती है, उनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, और ईथरनेट लैन में हब का क्या रोल है, इसके बाद में कोलिजन क्या होता है, और कोलिजन डोमेन ईथरनेट लैन, जो ईथरनेट लैन है बेसिकली उस पर कैसे जनरेट होता है, उसका क्या रोल है। तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद में अब हम ये क्या ले लिया, मैंने हाइलाइटर चाहिए मेरे को, हाइलाइटर ले लिया। इसके बाद में लेजर पॉइंटर, मैं तो ये कभी यूज़ ही नहीं करता, चलो इसको यूज़ करते हैं आज। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इस वीडियो के। इसमें हम देखेंगे लैन सेगमेंट, जो ईथरनेट लैन सेगमेंट है, उनकी डिस्टेंस लिमिटेशन क्या है, और हब की क्या ईथरनेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन है, कोलिजन वगैरह देखेंगे और कोलिजन डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लैन सेगमेंट की बात करें, ईथरनेट लैन सेगमेंट, तो ये होती क्या है। तो जो सेगमेंट लेंथ इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन यूजिंग ईथरनेट टेक्नोलॉजी इन लैन। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम ईथरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं लैन में, तो जो लेंथ सेगमेंट है, मतलब हम कितनी दूरी तक कितना डिस्टेंस में लैन बना रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके हिसाब से फिर हम टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हैं। अब ये क्या है, जो सेगमेंट क्या होता है, ये बेसिकली एक 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 सिंगल अनब्रोकन नेटवर्क केबल होती है। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इथरनेट केबल एंड सेगमेंट कैन स्पैन ओनली लिमिटेड फिजिकल डिस्टेंस बियॉन्ड विच ट्रांसमिशन विल बिकम। अब यहाँ पे एक कंडीशन आ गया है कि आप जो इथरनेट लैन है उसको एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही एक बना सकते हैं, फैला सकते हैं। अगर उसको आप ज़्यादा उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ा बनाएंगे या केबल फैलाएंगे, तो उसमें क्या है, जो सिग्नल है वो सिग्नल स्ट्रेंथ कम होगी, और वहाँ पे जो हमारा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है वो वर्क नहीं करेगा प्रॉपर। ठीक है, डेटा लॉस होने का प्रॉब्लम रहता है। तो ये उसमें एक एक कहना चाहिए एक लिमिटेशन है, एक प्रॉब्लम है कह सकते हैं हम। और एनी डिवाइस जो कि लेयर 1 पे ऑपरेट होती है, उस विल नॉट टर्मिनेट ईथरनेट सेगमेंट ऑफ द लैन बिकॉज लेयर 1 डिवाइस ओनली रिपीट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो जो है यहाँ पे कोई भी डिवाइस जो कि लेयर 1 पे ऑपरेट होती है OSI मॉडल के, वो इथरनेट लैन को टर्मिनेट नहीं करती, टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि उनका काम क्या होता है, सिर्फ जो डिवाइसेस होती है उनका काम होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनको एम्पलीफाई करना होता है। तो अभी 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 आपको पता चलेगा आगे। तो लैन सेगमेंट लिमिटेशंस देखें तो यही है कि अगर हम जरूरत से मतलब अगर हमको यूडीपी केबल है कि हमको वो 100 मीटर तक ही अच्छा स्ट्रेंथ और अच्छा सिग्नल देगी, अच्छा डेटा ट्रांसमिशन होगा, बट अगर हमने उसको 200 मीटर पर लगा दिया है तो उसमें क्या होगा, सिग्नल डिग्रेड्स होगा विद ट्रांसमिशन डिस्टेंस। ईच इथरनेट टाइप हैज मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ। तो हर एक जो इथरनेट टाइप है उसका एक लेंथ होता है, मैंने पहले भी बताया है पिछला वीडियो में बहुत डिटेल में। अब यहाँ पे देखिए, ईच टाइप ऑफ इथरनेट स्पेसिफिकेशन हैज डिफाइंड सेट ऑफ केबल टाइप। तो जो एक अगर मतलब जितने भी हमारे पास ये हैं इथरनेट स्पेसिफिकेशन, सबका एक 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 स्पेसिफिक केबल होता है, एक स्पेसिफिक डेटा रेट होती है, एंड मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है विच इन टर्न डिफाइन अ मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ। तो अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि कुछ गाइडलाइंस ये है। देखे तो 10 वेस्टी ईथरनेट ओवर ट्विस्टेड पेपर पेयर केबल। तो इसमें क्या है, जो 10 होता है इसका क्या मतलब होता है, द 10 रिफर्स टू द स्पीड सपोर्टेड ओके इन द MB MB/s। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो हम ये 10 MB MBPS का कनेक्शन रहेगा। बेस का मतलब क्या होता है, ये बेस बैंड होता है इथरनेट का। ठीक है, ये शायद आपको पिछले वीडियो में भी समझ में नहीं आया होगा, तो अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैं उसमें बता रहा था 100 बेस TX और 1000 बेस करके, तो यहाँ पे पता चलेगा। टी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टी मीन्स ट्विस्टेड पेयर ओके कैटेगरी 5 और अबव।
FL का मतलब क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया इन सब चीज़ों के बारे में, तो आई होप कि आप पिछला वीडियो जरूर देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ईथरनेट सेगमेंट डिस्टेंस लिमिटेशन, तो ये 10 VST अगर ये है तो इसका डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो ये 10 Mbps ईथरनेट ओवर ट्विस्टेड पेपर बना देता है, पेयर का केबल बना लेता है 100 मीटर तक। अब यहाँ पे FL हो गया सपोज, तो ये क्या है फाइबर 10 Mbps ईथरनेट ओवर फाइबर ऑप्टिक केबल रहेगा ये 2000 मीटर तक। तो इस तरीके से लेंथ रहती है इन लोग इन ईथरनेट कनेक्शंस की सेगमेंट की। अब अगर हमको बड़ा करना है एक्सटेंडिंग अ लैन सेगमेंट, तो यू कैन ऐड डिवाइसेस टू ईथरनेट लैन टू एक्सटेंड सेगमेंट। सेगमेंट मतलब एक पोर्शन होता है, सब हमको बड़ा करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इधर भी हमको 100 मीटर तक बढ़ाना है, इधर पे भी 100 मीटर, तो बीच में हम एक हब लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारी लैन सेगमेंट को बढ़ा सकते हैं। अब ये बैंडविड्थ शेयर करते हैं, सेल्स बैंडविड्थ एक्सटेंड केबल डिस्टेंस रिपीट्स और एम्पलीफाई सिग्नल। अगर हम कुछ ऐसा डिवाइस लगा रहे हैं तो वो हमारी लैन को भी बढ़ा देते हैं, बैंडविड्थ शेयर करते हैं और जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक रिपीटर होता है, अ रिपीटर इज फिजिकल लेयर डिवाइस दैट टेक अ सिग्नल फ्रॉम डिवाइस ऑन द नेटवर्क एंड एक्ट एज अ एम्पलीफायर। तो मान लीजिए यहाँ पे एक रिपीटर लगा लिए हमने, तो वो क्या करता है इधर का सिग्नल इधर पे ला, सपोज इधर का सिग्नल आ रहा है तो वो इसको एक्सेप्ट करता है फिर उसको एम्पलीफाई करता है स्ट्रॉन्ग करके फिर फॉरवर्ड करता है। ठीक है, एडिंग रिपीटर टू अ नेटवर्क एक्सटेंड द सेगमेंट ऑफ द नेटवर्क सो दैट डेटा कैन बी कम्युनिकेटेड सक्सेसफुली ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। तो रिपीटर्स का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर मेरे को फिर से इधर एक 200 मीटर का एक और यहाँ पे लगाना है, लाइक यहाँ पे मेरे को एक और मशीन लगानी है, ठीक है, तो मैं इधर कहीं पे एक रिपीटर लगा लूँगा तो उससे क्या है ये सिग्नल जो आएगा वो यहाँ से आने के बाद में इसको पावरफुल सिग्नल मिलेगा, डेटा लॉस नहीं होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। देर आर हाउएवर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ रिपीटर दैट कैन बी एडेड टू नेटवर्क। बट यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे एक लिमिटेशन हो सकती है कि कितने रिपीटर्स आप लगा सकते हैं कितने रिपीटर्स नहीं लगा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हब की बात करें हम, तो ये हब यहाँ पे एग्जांपल में लिया है मैंने, हब के बारे में पढ़ता है। अ हब विच ऑल्सो ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर इज सिमिलर टू रिपीटर। व्हेन हब रिसीव्स अ ट्रांसमिशन सिग्नल इट एम्पलीफाइज द सिग्नल एंड रिट्रांसमिट। तो वही चीज़ मैंने बताया कि सपोज अब इधर से कोई सिग्नल आ रहा है तो ये रिसीव करेगा इसको एम्पलीफाई करके नेक्स्ट होस्ट को नेक्स्ट डिवाइस को भेजेगा। हब भी ऐसे ही काम करता है। अनलाइक अ रिपीटर हाउएवर अ हब कैन हैव मल्टीपल पोर्ट। तो रिपीटर में पोर्ट लिमिटेड रहेंगे बट इसमें ज्यादा पोर्ट रहते हैं हब में। ठीक है, और जो हब है वो जो डेटा आता है वो हर एक पोर्ट को भेजता है जितने भी वहां पे कनेक्टेड रहेंगे। हब डू नॉट रीड ओनली रीड एनी ऑफ द डेटा पासिंग थ्रू देम। तो जो डेटा है उसको वो रीड नहीं करता है जो भी डेटा आया, एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो इसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन फ्रेम का भी कोई इन्फॉर्मेशन हब को पता नहीं होती है, बस इसमें हब में जो सिग्नल आते हैं जो डेटा आता है वो उसको रिसीव करता है और उसको एम्पलीफाई करके नेक्स्ट डिवाइस को फॉरवर्ड कर देता है। तो ये इसका काम होता है। और हब क्या होता है, एक हब हमारी जो इथरनेट लाइन है उसको एक्सटेंड करता है लेकिन उसको टर्मिनेट मतलब ख़त्म नहीं करता है एक तरीके से। दूसरी चीज़ कोलिजन क्या होता है, कोलिजन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ईथरनेट लैन का। कोलिजन्स आर पार्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ईथरनेट अकरिंग व्हेन टू स्टेशन अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट एट द सेम टाइम। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे पास मान लीजिए 10 कंप्यूटर की लैन है 50 कंप्यूटर की लैन है तो क्या हो रहा है, ये यूज़र और ये यूज़र दोनों एक साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ही रास्ते से जा रहे हैं और दोनों आमने सामने टकरा जा रहे हैं, तो उसको कोलिजन बोलते हैं, टक्कर होना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसको कुछ एक्सेस सपोज ये कोई सर्वर एक्सेस कर रहा है ये वाला यूजर, तो उसको वो सर्वर तक रीच नहीं कर पाएगा और ये वाला भी फिर इसको भी वो सर्वर तक रीच नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या, फिर ये आईटी वाले को बुलाएंगे, भाई हमारा सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो इसको कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कोलिजन का, कैसे जनरेट होता है कैसे अकर होता है। सिंगल मीडिया पे जब दो लोग एक साथ चल रहे होते हैं तो जो क्या कहते हैं टकरा जाते हैं एक दूसरे से उसको ही कोलिजन बोलता है। देखिए ये भी अभी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, ये भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे आके कोलिजन हो गया। अब कोलिजन डोमेन, तो
कॉलिजन तो एक सेपरेट चीज हो गई, एक कॉलिजन डोमेन हो गई होती है। तो कॉलिजन डोमेन कुछ नहीं, ये भी बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, सेपरेट सेपरेट सेगमेंट बना देते हैं, तो सेपरेट सेपरेट सेगमेंट में सेपरेट सेपरेट कॉलिजन डोमेन बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाइक इन एक्सपेंडिंग एन ईथरनेट लैन टू अकोमोडेट। अब हमारे पास बहुत सारे यूजर बढ़ते जा रहे हैं, पहले 10 थे, फिर 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको हमको एक फ्लेक्सिबल नेटवर्क भी देना है, मतलब कंजंक्शन नहीं होना चाहिए, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन वगैरह वगैरह को ध्यान में रखना है। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, accommodate more user with more bandwidth requirement, you can create separate physical network segment called collision domain. तो हम क्या है, छोटे छोटे physical network segment create कर सकते हैं जिन्हें हम collision domain बोलते हैं। So collisions are limited, तो जो communication है उसी separate separate उसमें होता रहेगा, क्या कहते हैं segment में। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे एक switch है, ठीक है, अब यहाँ पे चार हमारे पास suppose इधर पे कोलिजन डोमेन बना लिए, इधर पे मेरे पास 5 कंप्यूटर हो गए, इधर पे 4 कंप्यूटर हो गए, इधर पे 10 कंप्यूटर हो गए, इस तरीके से मैंने सेपरेट सेपरेट बना लिया, इधर पे 20 कंप्यूटर हो गए। तो जो इधर का कम्युनिकेशन है वो इधर ही होता रहेगा और कहीं नहीं जाएगा, इधर का कम्युनिकेशन है इधर ही होता रहेगा, तो ये जो तीन सेगमेंट है ये फ्री रहेंगी। तो इस तरीके से हम क्या है सेपरेट सेपरेट सेगमेंट बना सकते हैं और नेटवर्क को हम अच्छा बैंडविड्थ भी मिलेगा उस कंडीशन में, यूटिलाइजेशन कम होगा। तो गाइस इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी। आई होप कि ये जो टॉपिक्स हैं आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना हो तो ये URL है, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। अगले वीडियो का वेट कीजिए, अगले वीडियो में नया चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 10। और टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।